सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, अपने आलकारों के जरिए, आलाकारों के जरिए, एजेंटों के जरिए रोज जिन लोगों को सुनाते कि नवाज शरीफ जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नवाज शरीफ अगर 1993 में इनसे नहीं गया, 1999 में भी नहीं गया, 2017 में भी नहीं जाएगा, 2018 में भारी मंडेर के साथ आएगा और ये सारे जो है चूहे ये कालम निगार जिनका लिखा हुआ कल इनके मुंह के ऊपर आएगा, जिस तरह आसमान पर थूका हुआ अपने आप पे आता है। लिखी हुई तहरीरें रिकॉर्ड में, नवाज शरीफ को अगर अल्लाह ताला दिलों में बसने वाला हुक्मरान है, अगर अल्लाह ताला उसको ना गिराए, इन जैसे जो जो टीवी पे बैठ के शाम को सियासी अदाकार हमें बताते हैं कि आज गया या कल गया, चार साल से इंशाल्लाह आज भी नहीं जाएगा, कल भी नहीं जाएगा। 2018 में अभी यहाँ एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी से दोबारा वापस आएगा, उसको काली माता खाएगी, काली माता का पुजारी है ये, आपको पता है सारा ये रवि रवि और अपना शंकर रवि 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 शंकर और ये जो आदित्य योगी के पैरोकार जो पाकिस्तान में आकर नवाज शरीफ को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये जो योगा इनका सियासी योगा और इलेक्ट्रॉनिक योगा रात को जो है ना ये पिघल रहा है, इस वक्त खत्म हो रहा है, ये फारिग हो चुके हैं। मैं इस वक्त 8300 की फुट की बुलंदी पर मैं ये खड़ा होकर ये ऐलान करता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून एक इस्तारा होगा, एक मीरास होगी, एक लेगेसी होगी लोगों की जो ताकयामत इस मुल्क में चलेगी। ये कितने सादा हैं तेरा नाम मिटाने वाले, अभी पत्थर की लकीरें भी मिटा करती हैं, कितने सादा हैं तेरा नाम मिटाने वाले इंशाल्लाह। इनका मर्ज जो है ना, ये जून जो दुआ कर रहे हैं इनका मर्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये मुझे यकीन है ये मर्ज रहा है, ये पागल होके मरेंगे शराब स्पीकर। ये वो कागजात और बाद में कहते हैं हमने बात वैसे की खत्म कर दो भाई साहब, उठो जी।